उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पंप से जुड़ी हुई या तो खटतौली की शिकायतें आईं या कहीं ना कहीं जो कम पेट्रोल देने की, जिसके बाद 2017 में एसटीएफ ने इसको क्रैक डाउन किया और एक नाम था अरविंद चतुर्वेदी का, जो उस समय एसटीएफ में थे, हालांकि आज विजिलेंस में हैं अभी वो। लेकिन ये बड़ा इनिशिएटिव है कि उन्होंने बड़े इस क्रैक डाउन किया कि आखिर किस तरीके से पेट्रोल पंप कम देते थे, यानी कि किस तरीके से ग्राहकों को चूना लगाया जाता था। हम फैक्ट पे बात करेंगे उनसे, क्योंकि अभी भी मेरठ में जो मामले आए हैं उसके बाद की किस तरीके से चोरी की जाती है। हमारे साथ अरविंद चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। सर, एक बार आपसे हम फिर से इंटरेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि पुराना जब आप 2017 में किया था, सर हम मोटे तौर पे जानना चाहेंगे कि वो जो आपने क्रैक डाउन किया था वो क्या है, और अभी जो मेरठ में हमने देखा है फिर उसी तरीके के पेट्रोल से संबंधित प्रॉब्लम आई फिर एसटीएफ ने किया, तो ये दोनों में सर आपने कैसे पहले मैं क्या आपको हुए? बताता हूँ। जो उपभोक्ता के दृष्टिकोण से अगर देखें तो दो प्रकार के नुकसान उसे हो सकते हैं। घटतौली का नुकसान हो सकता है, जहाँ जितने वॉल्यूम का वो पैसा दे रहा है उसकी तुलना में कम वॉल्यूम उसे मिलेगा। और दूसरे प्रकार का नुकसान हो सकता है कि उसे मिलावटी POL मिलेगा, जिससे लॉन्ग टर्म में उसकी जो मशीन है, जो उसकी कार है, स्कूटर मोटरसाइकिल है, वो खराब हो सकती है। हम लोगों ने 2017 में जो क्रैक डाउन किया था वो मूल रूप से घड़तौली से संबंधित था कि हमारी जो डिवाइस है, डिस्पेंसिंग यूनिट है, उसकी पल्सर यूनिट होती है, इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है, जो एक और जो हमारा डिस्प्ले यूनिट होता है जो कस्टमर को दिखाई देता है, 1,000 रुपये का पेट्रोल उसने लिया, 1,000 रुपये पंच हुआ, पल्सर यूनिट पे 1,000 का कमांड आया, पल्सर यूनिट ने उसको पंप पर भेजा, जो उसका टैंक है उस पर भेजा, और फिजिकली 1,000 रुपये का वॉल्यूम का डीजल या पेट्रोल डिस्पेंस हो गया। अब अगर हम टेम्परिंग करते हैं उस चिप में जो पल्सर यूनिट है, तो 1,000 रुपये तो हमने कस्टमर से लिए, लेकिन 1,000 के बदले हमने 980 रुपये या 880 रुपये के समतुल्य जो वॉल्यूम था वो डिस्पेंस किया। हम लोगों ने जो पहले पकड़ा था वो ये था, और उसके बाद भारत सरकार के इनिशिएटिव पर पूरे भारत के जितनी भी डिस्पेंसिंग यूनिट्स थी, मिडको, गिलबार्को प्रमुख कंपनियां थी, उन सभी के डिस्पेंसिंग यूनिट के पल्सर यूनिट नए मॉडल के लगा दिए गए, जिनको टेम्पर प्रूफ कहा जाता है। एक बार अगर वो निकलेंगे मशीन से बाहर तो दोबारा नहीं लगाए जा सकते। तो इस प्रकार से कस्टमर सेफ हो गया कि उसके साथ घड़तौली की शिकायत नहीं होगी। जैसा हमने मीडिया में पढ़ा और कुछ कंपनी से बात की, अधिकारियों से बात की, तो उनका कहना है कि जो हमारे पंप ओनर्स का टैंक होता है उसमें जरूर अभी भी एक संभावना बनी है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण अभी की घटना है कि उसका जो मदरबोर्ड उस कंपनी के सर्वर से जुड़ा रहता है, जो उसकी निगरानी रखता है कि इन टैंक कितना वॉल्यूम है। अगर हम उस मदरबोर्ड को कॉम्प्रोमाइज़ कर लें तो हम उसमें मिलावट कर सकते हैं, उस वॉल्यूम को मैनिपुलेट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपने एडवांटेज में कर सकते हैं। इस प्रकार की शिकायत यहाँ मिली है, और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जो का स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स इस पर होगा, उससे इस पर भी नियंत्रण किया जा सकेगा। सर, हम मान के चले कि जो पल्सर यूनिट थी वो आपने अपने समय में 2017 में जब क्रैकडाउन किया था, तो अब तेल तो कम नहीं मिलेगा क्योंकि अब पल्सर यूनिट नई डिजाइन की और नई चीजें कर देंगे, बट जो अभी आप मदरबोर्ड से संबंधित बता रहे हैं कि उसमें मिलावट की जा सकती है, मिलावट की जा यानी सकती कि है, जो कस्टमर लेगा उसमें मिलावट की जा सकती है लेकिन कम नहीं दिया कमी सकती। नहीं होगी, कमी नहीं होगी, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, उसमें मिलावट हो सकती है मिलावट हो सकती है जो अभी चल रहा है। जी सर, ऐसे में जो कस्टमर होते हैं तो क्या ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब वो पेट्रोल डलाने जाते हैं? अब वो अगर देखिए वॉल्यूम में कमी नहीं है तो कस्टमर के लिए मुश्किल होगा, लेकिन अगर उसे लगता है कि उसकी गाड़ी परफॉर्म नहीं कर रही है, सर्विसिंग के समय उसे शिकायत आ रही है, और वो एक ही पंप से बराबर पेट्रोल ले रहा है जैसे अधिकांश लोग करते हैं, तो उसे निश्चित रूप से हेल्पलाइन नंबर्स पर शिकायत करनी चाहिए। और जो पब्लिक फोरम हैं, जो सिटीजन ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके माध्यम से भी इसकी शिकायत करनी चाहिए। थैंक यू सर बात करने के लिए। तो अरविंद चतुर्वेदी जी, साफ तौर से मानना यही है कि अब हालांकि जो टैंपरिंग पहले की जाती थी पल्सर यूनिट की वो नहीं की जा सकती है, यानी कि जो कस्टमर को पेट्रोल है वो कम नहीं मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से मेरठ और बागपत में जो केसेस आए हैं और पेट्रोल को पकड़ा है एसटीएफ ने, वहां पर मिलावट की जा सकती है, तो ऐसे में अगर किसी कस्टमर को प्रॉब्लम होती है तो वो इसकी शिकायत कर सकता है और एसटीएफ और अन्य जो एजेंसीज हैं वो लगातार ऐसे जो क्रैक डाउन करने की कोशिश कर रही हैं। 2017 में इनिशिएट किया गया था और आज भी उसको लेकर एजेंसीज एक्टिव हैं।
लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव आज तक।